सलाम मस्त वालेकुम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। जितना भी हम मार्केट में यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन का बात कर ले, 100x कॉइन का बात कर ले, 50x कॉइन का बात कर ले, लेकिन हमेशा यहाँ पे लोगों का नज़र जो है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मीम कॉइन्स का तरफ जाता है। ये हर बार मार्केट में हुआ है, जब से यहाँ पे डोज कॉइन ने मार्केट में रिटर्न देना स्टार्ट किया। डोज कॉइन के बाद शिबाइनो के बाद यहाँ पे बेबी डोज कॉइन, उसके बाद और भी फ्लोकी, पेपे, काफ़ी सारे कॉइन्स जो है वो मार्केट में आए, जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में हज़ारों% का रिटर्न जो है, हज़ारों% क्या, यहाँ पे करोड़ों% का। शिबाइनो का अगर आप देखें ऑल टाइम हाई जो गया था वो यहाँ पे 3-4 करोड़% का ऊपर जो है वो जाके आया था, करोड़ों%, लाखों% नहीं, करोड़ों%। तो ऐसा कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे मार्केट में होते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स और इन सब से यहाँ पे भरोसा उठ चुका है कि हमको यहाँ पे इस तरीके का भी यहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो मार्केट में जब भी यहाँ पे लोग सबसे पहले आते हैं तो मार्केट में मीम कॉइन्स का तरफ जाते हैं, क्योंकि देखिए मीम कॉइन्स का प्राइसेस का अगर हम बात करें वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो होता है, उनका वायरलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके चलते मार्केट में और लोगों को पता होता है कि इनका रिटर्न जो है वो यहाँ पे मतलब अनकाउंटेबल रिटर्न जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए लोग सबसे पहले मीम कॉइन्स का दिशा में जाते हैं। अब देखिए हर कोई बंदा जो मीम कॉइन बाय करना चाहता है, लेकिन मीम कॉइन का बाय करने का पहले 2-3 क्राइटेरिया है जो कि आप अगर यहाँ पे दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप वन इन द मिलियन वो कॉइन जो है वो आप ढूंढ पाएंगे। सबसे पहला क्या है, देखिए आप वो मीम कॉइन ढूंढिए, या तो वो वायरल चीज़ें होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे पेपे आया था, जैसे बोंक आया था, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे वायरल मीम की तरह पहले इनिशिएट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे वायरल कॉइन की तरह वो यहाँ पे आगे बढ़े। तो कुछ ऐसा चीज़ें आप ढूंढिए जो यहाँ पे ओवरऑल वायरल यहाँ पे मार्केट में चल रहा है, या अगर हम बात करें वो उसका बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा टीम है, या उसका मार्केट कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, या आप देख सकते हैं कि उसका कम्युनिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर कम्युनिटी सबसे बढ़िया है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका मार्केट कैप लो है तो इसका मल्टीपल एक्स का रिटर्न देने का पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाता है। ये कुछ क्राइटेरिया डेफिनेटली आपको यहाँ पे नजर में रखना चाहिए जब भी आप मीम कॉइन को यहाँ पे चूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे 5 ऐसा बेस्ट मीम कॉइन जो कि आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न मार्केट में बना के दिखा सकता है। इनमें से कुछ कॉइन शायद आपने सुना भी नहीं होगा, 5 कॉइन के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायरल भी, यहाँ पे आने वाले टाइम में वायरल अभी करंटली चल रहे, मतलब उनका वायरलिटी स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम में भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमें पहली बार देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर देना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं, यू वॉचिंग क्रिप्टो केबल। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले देखिए बिना टाइम गवाए हम सीधा कॉइन्स का ऊपर जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे 5th नंबर का कॉइन है वो यहाँ पे है ब्रेट। अब ब्रेट जो है वो यहाँ पे कॉइन बेस का उसका खुद का ब्लॉकचेन आया है बेस नाम से, उसका कोई नेटिव टोकन नहीं है कॉइन बेस का, अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उसका ब्लॉकचेन पे यहाँ पे काफ़ी सारा मीम कॉइन्स जो है वो डिप्लॉय हुए हैं, उनमें से एक कॉइन है ब्रेट। अब ब्रेट जो है उसका प्राइसेस में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो है, डॉलर में 0.03 यहाँ पे चल रहा है, उसका वायरलिटी भी यहाँ पे अच्छा चल रहा है। तो डेफिनेटली इसका चांसेस जो है, जैसे आपको पता होगा कि कॉइन बेस का अगर हम बात करें वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जो है वो बन चुका है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका ऊपर जो भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे एक्ट करेगा, जो भी चीज़ें इफेक्ट करेगा इसका ऊपर, तो डेफिनेटली उसका वायरलिटी जो है एनुअल टाइम में इंक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ब्रेट का ऊपर आप नज़र रखिएगा, एनुअल टाइम में ब्रेट का ब्लॉकचेन का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा जो है वो मार्केट में बनेगा। अब हमारा 4th नंबर कॉइन जो है वो यहाँ पे है फ्लोकिनो। अब फ्लोकिनो डेफिनेटली आप लोगों ने फ्लोकिनो के बारे में यहाँ पे सुना ही चुके होंगे कि ये इलोन मस्क का वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है। इलोन मस्क ने कुछ दिन पहले यहाँ पे ट्विटर पे फोटो भी लगाया था कि यहाँ पे वो यहाँ पे ट्विटर का CEO जो है इसको घोषित कर रहे, मतलब इन्हें मेटाफोरिक हुए। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से इसका वायरलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और इसका पीछे जो है वो यहाँ पे इलोन मस्क का हाथ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लोकिनो का ऊपर आप नज़र रखिएगा, आने वाले टाइम में ये बहुत बढ़िया करके दिखा सकता है। इतना दिन जो है पंप दिखाया है, इतना दिन जो रिटर्न मिला है वो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया और भी रिटर्न दिखा सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉइन जो है हमारा 3rd नंबर का कॉइन, वो है यहाँ पे डीजेन। अब डीजेन जो है वो भी यहाँ पे बेस का यहाँ पे एक कॉइन है, बेस ब्लॉकचेन पे है, और डीजेन का प्राइस जो है वो 0.01 यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा वायरलिटी जो है वो इसका इंक्रीज होने को है, मतलब ऑन द वे है, तो इसीलिए इसका ऊपर आप नज़र रखिएगा। अब अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट कॉइन जो है, मतलब हमारा यहाँ पे 2nd नंबर का कॉइन जो है वो यहाँ पे है बोंक। अब बोंक जो है वो उसका प्राइस तो आप लोगों को पता होगा, 0 के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 4026 का सीरीज चल रहा है, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि इसने इतना अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे चुका है आपको और क्या देगा। देखिए
इन कॉइन्स ने जो है वो मार्केट में बुल रन जो है वो नहीं दिखा है, बुल रन को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है, और इस बार का बुल रन जो है वो इनका पहला बुल रन रहने वाला है। और इनका मार्केट कैप अगर रैंकिंग का हिसाब से बात करें तो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो है, करंटली इसका मार्केट कैप जो है 55 है। तो मीम कॉइन जितना भी यहाँ पे वायरल है उनका मार्केट रैंक अगर हम बात करें टॉप 25 टॉप 20 के अंदर जो है वो जाना ही है, और जब ये पे जाएगा तो इसका प्राइसेस में हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो इसलिए बॉन्क ने रिटर्न दिया है डेफिनेटली नो डाउट यहाँ पे, लेकिन एनुअल टाइम में और भी ज़्यादा यहाँ पे बहुत तबाही तरीके से यहाँ पे रिटर्न जो है वो देने का दमशम यहाँ पे रखता है। अब हमारा सबसे पहला कॉइन जो है वो यहाँ पे है कोकिनो। अब कोकिनो के बारे में हमने काफ़ी पहले यहाँ पे डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाया था, ये प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। इसका प्राइस जो है करेंटली पॉइंट के बाद यहाँ पे 5.026 का सीरीज चल रहा है। अगर हम बात करिए ब्लॉकचेन कौन सा पे है तो एवलॉन्च का ब्लॉकचेन पे, एवलॉन्च का ब्लॉकचेन जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल यहाँ पे शुरू हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल रह रहा है, तो इसका ऊपर आप नज़र रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इसका कम्युनिटी जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उभर करके सामने आ रहे हैं। तो ये कोकिनो को मैंने फर्स्ट लिस्ट पे इसीलिए रखा फर्स्ट नंबर पे क्योंकि इसमें चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है वायरलिटी का या रिटर्न्स का अगर हम बात करें इसी बुल रन में। तो ये पांच कॉइन डेफिनेटली आप इनका ऊपर नज़र रखना। आने वाले टाइम में अगर ऐसा भी कोई ऐसा कॉइन आता है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह रहा है, मतलब इनको यहाँ पे ओवरटेक कर सकता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है आप इंस्टेंटली अगर देना होगा तो टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पाँचों यहाँ पे मीम कॉइन जो है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ मीम कॉइन्स ने यहाँ पे बुल सीजन जो है बुल रन जो है वो अभी तक टेस्ट नहीं किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और उनका मार्केट कैप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ऊपर जाना है। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से, इन कुछ रीजंस की वजह से मार्केट में, और सबसे इनका कम्युनिटी जो है वो अगर आप देखेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वायरलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए बुल सीजन जो है वो शायद इनका होने वाला है, तो इस चीज़ों का ऊपर आप नज़र रखना। हमने यहाँ पे लास्ट पास्ट डे में हमारा 5 यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात किया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने नहीं देखा साइड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर जाकर क्लिक कीजिए करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलता है किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।